हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं राजस्थान अजमेर से फिलिप स्टार पवन और आ गया हूं आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो लेके। तो ये वीडियो कुछ ट्यूटोरियल टाइप है। तो आज का ट्यूटोरियल है 180। लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि 180 आखिर होती क्या है। 180 अगर इसे इंटरनेशनल भाषा में बोले तो इसे लोग अरेबियन बोलते हैं, राउंड ऑफ अरेबियन बोलते हैं। और 180 आपको मैं बताता हूँ दिखती कैसी है। वैसे तो 180 ऐसी दिखती है। आपने देख ली होगी 180 कैसी दिखती है। तो आगे बढ़ते हैं, उसके लिए आपको एक ड्राइव रोल आनी चाहिए। ड्राइव रोल अगर आपको नहीं आती ड्राइव रोल, तो यहाँ पे आई बटन पे आपको दिख जाएगी ड्राइव रोल की वीडियो, तो उसे जाके ज़रूर देखिएगा। और बढ़ते हैं 180 की तरफ कि 180 कैसे करते हैं। लेट्स गो। तो भाई लोग, आपको 180 करने के लिए भाई लोग कुछ नहीं करने का, सिंपल बता दें अपन। सबसे पहले से ड्राइव रोल आपको आ जाना चाहिए। अगर आपको ड्राइव रोल नहीं आता तो देख लीजिएगा आई बटन पे वीडियो है। ये ड्राइव रोल आने के बाद आप सबको क्या करना है, आपको यहाँ बैठ जाना, सीट करना है आपको। बैठने के बाद ड्राइव रोल लेना है कुछ इस तरीके से। भाई लोग, आपको 180 करने से पहले इसमें हाइट देनी पड़ेगी। तो सेम ड्राइव बैठेगी ऐसे, हाइट लेट्स गो। तो आपको इसमें हाइट बढ़ाते रहना है, जैसे जैसे हाइट पर आपको बढ़ाते रहना है। ओके लेट्स गो। इस बार और हाइट बढ़ाने की कोशिश करनी है आपको 180 में। बात दरअसल ये है कि आप जैसे जैसे 180 में हाइट बढ़ाएंगे, आपकी 180 उतनी क्लियर होती जाएगी। तो आपको 180 में हाइट बढ़ानी है, हाइट बढ़ा के फिर आपको करनी है 180। और इसके लिए एक बैक फ्लिप भी आनी चाहिए। आप बैक फ्लिप का भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं, मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा। और उसमें ज़रूर देखिएगा वीडियो, डिस्क्रिप्शन में बैक फ्लिप की भी वीडियो है। लेट्स गो फॉर द 180। फर्स्ट हो जाए आपका, तो आप बढ़िए 180 के सेकेंड स्टेप की तरफ। तो 180 का सेकेंड स्टेप कुछ इस तरीके से होता है। ये 180 का सेकेंड स्टेप आप कुछ इस तरीके से करने की भी कोशिश कर सकते हैं 180 को। इसे कहते हैं हम फ्रंट हैंड स्प्रिंग। इसे भी मैं बताता हूँ, इसमें कुछ करना नहीं है इतना, आप ऐसे कर सकते हैं इस चीज़ को। ओके लेट्स गो। 180 के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती जो आपको सीखनी पड़ती हैं। लेट्स गो, आपको वापस बताता हूँ। फिर से बैठ जाइए और ओके। तो ये डाइव रोल और बैक हैंड स्प्रिंग से आप समझ रहे होंगे आपको क्या करना है। अब दरअसल सबसे सोचने वाली बात आती है कि इसे बिना हैंड के और नो ग्रेविटी में कैसे किया जाए। तो इसे नो ग्रेविटी में कैसे किया जाता है, मैं आपको करना कुछ नहीं, आपके हैंड यू करती है, आपको टक फ्रंट टाइप में करना है। आपको करना कुछ नहीं, ये हैंड अंदर टक फ्रंट। जैसे आपको इसके लिए एक टक फ्रंट भी आनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे इसमें टक फ्रंट का क्या रोल है। आप बस उसे सीखिए टक फ्रंट को, उसमें भी आपका रोल बहुत ज़्यादा मायने होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस मिल जाएगी टक फ्रंट की, डाइव की और बैक फ्लिप की। तो आप उसे भी वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिएगा। और लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इसके लिए टक फ्रंट क्यों आनी चाहिए, तो दरअसल ये है कि आपको घुमा के टक फ्रंट लेनी होती है। 180 मतलब है कि घुमा के आपको टक फ्रंट लेनी है, और आप बैक फ्लिप में भी ले सकते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो लेट्स गो, टक फ्रंट में कैसे कर सकते हैं अपन। तो टक फ्रंट में करने के लिए बॉडी को जिस तरीके से रखिए, घूम के इस टाइप से टक फ्रंट। इससे आप कैसे सीख सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आप अभी घूमें, आप अभी घूमे मत, ऐसे करिए बॉडी। लेट्स गो, 1 2 3 4। ये है तो टक फ्रंट, बट सीधी लिए मैंने, मतलब अपने पाँव नहीं घुमाए। इस टाइप से लेना आपको 1, इस टाइप से आपको टक फ्रंट लेना। ओके, आपको वापस बताता हूँ, ये घुमा के टक फ्रंट, घुमा के टक फ्रंट। चलो ठीक है, आपको अगर टक फ्रंट से भी ये चीज़ ना आए तो आपको एक और तरीका समझाता हूँ मैं। आपके हैंड को यूज़ करना है, आपको हैंड को इस टाइप से करना है, 1 2 3। आपको इस टाइप से करना है जैसे मैंने किया है। एक दो बार में गिरेंगे बट आप सीख जाएंगे, क्योंकि ये टेक्निक है। आपको वापस बताता हूँ, लग दो 3 2 1। इस टाइप से आपका हैंड पे ही आपकी फ्लिप डिपेंड होती है। और जैसे आप ये चीज़ करें, आपके टक ग्रैब कर लें आप, 1 2। आप अपने घुटने पकड़े, इसलिए आपकी 180 निकलेगी, 2 1 एंड करेंगे आपकी ये उतनी क्लीन होती जाएगी। तो जब भी आपकी क्लीन हो जाएगी तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगी। ओके लेट्स गो। शायद इससे भी अच्छी दिखे। तो
वर्क हार्ड करते रहिएगा और सपोर्ट दीजिए। मैं हूँ राजस्थान अजमेर से फ्लिप स्टार पवन, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।